ये क्या, तीन तीन लड़के मिलकर एक बच्चे को मार रहे हैं? अरे वो लड़का खुद ही शर्त लगा के इनसे लड़ रहा है। सरकारी लड़का मर जाए। सरकार, आपको कैसे पता चला ये लड़का पलट कर मारेगा? उसकी आंखों में डर नहीं है। दो दो। लो भाई। ये लो। आप बहुत थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। बाय बाय। बाय। पहलवानों, दर्द हुआ? भूख के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ है बेटा? मेरा कोई नहीं है साहब, मैं अनाथ हूँ। जब तक इंसानियत जिंदा है तब तक बेटा कोई अनाथ नहीं हो सकता। मेरे साथ चलोगे? छाप झगड़ालू लड़के को आप अपने घर ले आए, ये ठीक है क्या? क्या आपने कभी एक जून की रोटी के लिए लड़ाई की है? लेकिन वो लड़ता है, वो भी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। अगर ये ऐसे ही लड़ता रहा कल को ये गुंडा नहीं बनेगा, इस बात की क्या गारंटी है? ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो वो योद्धा है। और ये क्या होता? This movie downloaded from desiremovies.email. Hey, कौन है वहाँ? क्या हुआ? ये घर छोड़कर जा रहा था सरकार। तुम में से किसी ने इसको डांटा क्या? किसी ने कुछ भी नहीं कहा सरकार, मैंने जिंदगी में कभी इतना प्यार नहीं देखा, हमेशा दुत्कार और फटकार में ही जीता रहा, इतने प्यार की आदत नहीं है मुझे। कल को मुझे घर से निकाल दिया गया तो? मेरी बेटी जैसा नहीं, मेरे बेटे हो, मेरा बेटा। तुम्हें कभी भी इस घर से नहीं निकाला जाएगा। यही है हमारा मंदिर अखाड़ा। मैं जब इतना सा था ना तब से यही कुश्ती सीखता है। मेरे दादा परदादा सब लोगों ने यही तालीम ली। बेटा मेरा एक सपना है, पूरा करोगे? पढ़ाई के अलावा मैं कुछ भी करूंगा। कुश्ती में नेशनल चैंपियन बनना है तुम्हें, बनोगे? सरकार ये जिंदगी आपकी है, आप जो कहेंगे मैं करूंगा।
टोनी, तुम गलत कर रहे हो। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। ए बुड्ढे, मैं सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुआ। अगला राउंड शुरू हो चुका है। नकुल का अपकट नॉक आउट करने की कोशिश, पर टोनी काउंटर्स। गवाही, दोषी पाए जाने पर टोनी पर 5 साल का बैन लग सकता है। तो क्या अब टोनी का करियर खत्म होना है? ए बुड्ढे, तू जो रोटी खाता है ना मेरी वजह से, जो कपड़े पहनता है वो भी मेरी वजह से, अब गवाही देकर मुझे बैन करवाएगा? टोनी देख, इतनी जल्दी भूल गया? नाली में पड़ा था, वहां से उठाकर तुझे ट्रेन करके चैंपियन बनाया, याद है कि नहीं? चल हट। तूने जितनों को ट्रेन किया वो सब चैंपियन बने क्या? मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास ताकत है, ताकत। That's why I'm a champion. सुन, मेरा जैसा बॉक्सर पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, समझा क्या? मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। से भी बड़ा चैंपियन तैयार करूंगा। अगर सचमुच तुझ में इतनी हिम्मत है तो किसी एक को, बस एक को मेरे जैसा बना के दिखा। टोनी इज द बेस्ट। इंतजार रहेगा मुझे किसी मर्द के बच्चे का। परेशान मत हो पापा, टोनी मेरा शागिर्द है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना कमीना निकलेगा। तो उसे भूल जाओ ना पापा, उसकी तरह तो आप किसी को भी ट्रेन कर सकते हो। ये इतना आसान नहीं है बेटा। टोनी वो हीरा है जिसे मैंने अपने हाथों से तराशा, और इस हीरे को सिर्फ दूसरा हीरा ही काट सकता है। क्या? मैं तो धरती मैया को दंडवत प्रणाम कर रहा था बेटा। तू तो गधा है पप्पू। क्या बोला? कहा कहीं था? हमला हमला पप्पू राव नाम है मेरा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तू जैसे किसी भी पहलवान को नहीं छोड़ा, सब पे हमला कर चुका हूँ मैं। छोड़ जानता हूँ सब। क्या कि तुमने किसी पहलवान पर हमला नहीं किया, आने जाने वाले लोगों ने तुम पर ही बार बार हमला किया, इसीलिए तेरा नाम हमला पप्पू हो गया। अबे मुंह बंद रख, ये ले 20 रुपए, दूध पी लेना। अरे यार बच्ची कुछ इज्जत को क्यों मिट्टी में मिला? एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट सर। दूध पी के दंड पेल। मैं विजेंद्र, बॉक्सिंग कोच। नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे पता चला है कि आप अपने चैंपियन की पुरानी चीजें देना चाहते हैं। जी आइए, ये है। अरे अरे वाह 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 वाह, पक्का देसी पहलवानी का सामान है ये। क्या मैं इसे उठा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू। अगर हमारे लड़के इन्हें इस्तेमाल करेंगे ना तो चट्टान बन जाएंगे। क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? इसकी कीमत नहीं लगा सकते सर। ओ, यानी इतना अनमोल है। जी हाँ, ये अनमोल है सर। 7 सालों तक लगातार जिस योद्धा को कभी भी कोई नहीं हरा सका, ये सब उसी महान चैंपियन की यादें हैं सर। यहाँ रखी हर चीज पर हमारे चैंपियन की निशानी है सर। अगर
अगर आप 4 साल पहले यहाँ आते तो हमारे पहलवान किच्चा को देख पाते। किच्चा शेर की तरह अखाड़े में उतरता था, शेर था वो, शेर। कितने पैसे देके बुलाया इस पहलवान को हारने के लिए? यहाँ के बारे में क्या बोल रहा भाई? लंका के सरकार है ये, एक लौंडा तो पैदा कर नहीं सका, इससे हम काहे को डरे वे? अगर असली मर्द का बच्चा है तो बोल दे, मेरे साथ भी दो दो हाथ करके देख ले। छोड़ो छोड़ो, जो लंका से हमेशा की तरह इस पैर के क्षेत्र के बिना कोई पॉइंट ले वो भी जीत लेगा। कम से कम एक पॉइंट वो जरूर लेगा, देखना। खेलने वाला तो खेले है बंटा, देखने वाले को क्या समझ में आएगा घंटा। पहलवान किच्चा को जीतने के लिए 5 पॉइंट की जरूरत है, लेकिन बलजीत सिंह भी कड़ी टक्कर दे रहा है। आज वो हार मानने वालों में से ना है। कहाँ चले? सुनाई नहीं दिया? सरकार मंदिर। मंदिर? अच्छा, वो कुश्ती में जीता तो मन्नत मांगी थी कि मंदिर। यार सोच समझ कर जवाब देना। मन्नत मांगी है तुमने? मैंने सरकार इसके लिए मन्नत मांगी थी। पता चल गया क्या? अबे ये तो भगवान ही जाने। नेशनल्स में सिलेक्ट होना है इसे, इसलिए पुलिस स्टेशन और लड़ाई झगड़े से दूर रखना है इसे, समझे? सरकार क्या कह रहे हैं आप? अखाड़े में करते हैं कुश्ती, बाहर निकलते ही दोस्ती, ऐसी है इनकी हस्ती।
कौन से मंदिर जा रहे हो? आसमान से गिरे खजूर में अटके गणेश मंदिर। गणेश मंदिर के बाद महालक्ष्मी मंदिर। महालक्ष्मी को कभी देखा भी है क्या? देखा है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? सुंदर चेहरा और चेहरे की वो रौनक, क्या आकर्षण है। वाह 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 वाह, बता नहीं सकता इतनी खूबसूरत है। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? मैं यहाँ से निकलने की कोशिश तो कर रहा हूँ। वो क्या है कि अब तो उस तरफ ना। हाँ हाँ, उसी तरफ। आ, ए, इडियट, दिखाई नहीं देता क्या ना? हमारी तरफ ही आ रहे हैं। जब जब धरती पर अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, असुरों का अट्ठास बढ़ता है, उसके अंत के लिए उन्हें आना ही पड़ता है। मजाक कर रही हो क्या? चिल, हमें कुछ नहीं होगा, पूजा पर ध्यान दो। ए हीरो, किससे पंगा ले रहा है जानता भी है? सॉरी सर। भैया, सरकार के बारे में कुछ बोला है आपने? क्या बोला था? थोड़ा याद करके बताना, क्या बोला था? अगर असली मर्द का बच्चा है तो बोल दे, मेरे साथ भी दो दो हाथ करके देख ले। हाँ तो? कुछ नहीं भैया, मेरे माँ बाप भगवान गुरु जैसे सरकार के बारे में इतना कुछ बोला है तो सोचा कि मिल के जाऊं। किसके इलाके में आया है जानता है क्या? हेलो, आ गए हैं तो जान भी जाएंगे। ऐसा क्या? Hey, दरवाजा बंद कर। अरे भाई, टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूँ ना, मैं ही बंद कर देता हूँ। दरवाजा क्यों बंद करवाया? धोने के लिए भाई। तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, धो उसे। मैं मार धाड़ नहीं कर सकता। ये फाइटिंग के लिए नहीं, सरकार फोन करेंगे, थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज। ये कर सकता हूँ। मेरी कुटाई होने वाली है सरकार। मैंने फोन किया है, ये बात उसे बताना मत। बेटा नंबरी तो बाप दस नंबरी। नहीं बताऊंगा सरकार। क्या कर रहा है वो? तोड़ रहा है। नारियल तोड़ रहा है सरकार। ओ you
कौन है ये? सरकार खड़े खड़े क्या कर रहे हो? नीचे बैठो। बैठ गया। दर्शन कर लो जा। दर्शन तो हो गया, अब प्रसाद बांट रहे हैं सरकार। आप सब लोग जाओ दर्शन करो, चलो चलो चलो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उंदो से सरकार, सरकार। कृष्णा जी सरकार। आरती चल रही है बेटा? हाँ सरकार, हाँ सरकार। ठीक है, जल्दी दर्शन करके आ जाओ। जी सरकार। मैं राणा का आदमी हूँ। कौन सा राणा? राणा स्थलीपुर का राजा। तेरे राजा के सर पर क्या सिंह है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं सरकार के बारे में कभी कुछ नहीं बोलूंगा। कहते हैं गलती करने वाले को एक बार माफ कर देना चाहिए। दोबारा मेरे भगवान के बारे में कुछ बोला तो नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। जब शर्ट पहननी है तो उतारते क्यों हो? समझ में नहीं आता। सरकार के बारे में तुम कुछ नहीं जानते पापा, घर तो चलो। This movie downloaded from desiremovies.email. अबे ये रोड के बीचों बीच कटआउट किसने लगवाया? जी वो रोड पब्लिक का है, किसी के बाप का नहीं। कटवाओ से। जी। ए सोन, इस जगह पे ये कटआउट कब से लगा है? मुझे नहीं पता साहब, मैं इस गांव का ही नहीं हूँ। सर, आप यहाँ पर नए आए हैं, इसीलिए आप उनके बारे में नहीं जानते। कोई लीडर है कि देशभक्त? उनमें से कोई नहीं है सर। तो है कौन? ये हैं हमारे गांव के महाराजा। बरसों से इनका ही परिवार यहाँ पर राज करता चला आ रहा है। यहाँ के सब लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। गांव में किसी भी काम की शुरुआत इन्हीं के हाथों से होती है। यहाँ के एमएलए एमपी को जनता नहीं यही चुनते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई इनके मान सम्मान पर एक उंगली भी उठा दे, और अगर उठाई तो फिर तो क्या करेगा? हाँ, राजा हो या मंत्री, गलती तो गलती है ना। कानून सबके लिए एक ही है। इसे तो मैं ही उखाड़ फेंकता हूं। दीप पर लात चलाएगा तेरी इतनी हिम्मत? राजा साहब, ये गांव में नए हैं, इनसे अनजाने में गलती हो गई। इनसे नहीं, इससे। मेरा नाम है राणा,
राजा राणा प्रताप वर्मा। सरकारें बदलती हैं लेकिन राजा नहीं बदलता। ये राणा क्या बला है पता है तुझे? अगर शादी का घर है तो वहां दूल्हा हूं मैं, और अगर मातम का घर है तो वहां लाश भी मैं। इस इलाके का हर शख्स पहला सलाम मुझे ठोकता है, और तेरी ये जुर्रत कि तूने मेरे कटआउट को छुआ? नहीं राजा साहब नहीं, मैं इसे समझा दूंगा, इसने अनजाने में गलती कर दी है। ए, चल चल अरे चलना चलो। ठहर, सैल्यूट मार। सैल्यूट मारेगा ना राजा साहब? सर सैल्यूट मारिए वरना ये हमें मार देगा। सैल्यूट मारिए सर। ये तो यहाँ धुनी रमाए बैठे हैं भाई, धोकर आए। मेरा मतलब है मंदिर होकर आए बेटा। सुसु करके आओ सरकार। नहीं नहीं रोक लेता हूँ। प्रसाद तो मिला ना? प्रसाद? मंदिर गए थे तो दरवाजा बंद था तो कैसे प्रसाद? सुबह से पता नहीं सरकार ये क्या क्या बके जा रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है। ये लो प्रसाद। अब तक घर नहीं गई? आपका इंतजार कर रही थी ना। भैया एक बात पूछूं, ये प्रसाद गणेश का है या महालक्ष्मी का? तुम जाके सो जा, जा। मुन्ना खा के सो जाना। तुम जाओ। तुम नहीं जरा जा, जा तुम जा। फोन पे तो मैनेज कर लिया था सरकार। शर्ट उतार कर धोया ना? बहुत धोया। खाल उधेड़ दी। बच्चा है वो, झगड़ने के लिए लेके जाते हो? बच्चा है वो? मेरा बेटा है वो। मेरे बारे में कोई कुछ बोला छोड़ेगा नहीं। वाह हवा बेटे ने निकाली और यहाँ प्रेशर मेरा चेक हो रहा, क्या किस्मत है। सब कुछ बता दिया क्या? कितना भी दिमाग नहीं है तुझे? इतना ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बाप ठोकता है और बेटा बजाता है। और एंगेजमेंट रिंग मुझे दे देना। इसे बाहर रुक्मणी कंस्ट्रक्शंस के चेयरमैन गजानन देशपांडे ने अचानक से ही अपनी बेटी की शादी फिक्स कर दी। पापा ने फिक्स की है, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं वो अच्छे से जानते हैं। अरे नहीं हरबानी, मैंने और लड़के के डैड ने मुंबई में एक बड़ी सी प्रॉपर्टी डेवलप की है, और ये भी इकलौती औलाद है उनकी। अगर ये शादी हो गई ना तो हमारा रिश्ता भी अच्छा होगा और बिजनेस भी। यार बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी अनजान लड़के से अपनी बेटी की शादी कराओगे? जब मम्मी और पापा की शादी हुई थी तो वो एक दूसरे को जानते थे क्या? फिर भी वो दोनों खुश थे ना? बहुत खुश रहेगी मेरी बेटी देखना तुम। अच्छा? उनके पास मुझसे कहीं ज्यादा दौलत है। मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, जो भी मुझसे शादी करेगा फॉर श्योर वो मुझे हमेशा खुश रखेगा। कृष्णा की शादी के लिए लड़कियों के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जब तक वो नेशनल चैंपियन नहीं बनेगा शादी नहीं करेगा। मैंने सामने बोल दिए, उसके सामने भूल कर भी मत बोलना, हंगामा कर देगा। कुछ ज्यादा ही हंस रहा है, क्या हुआ क्या बात है? भरोसा नहीं तुझ पे क्या? यही कि तू पीता नहीं। ए, एक बार बोला तो यकीन नहीं होता क्या? देख उधर जो बैठी है उस बिल्ली की कसम पिया तो देख, कसम तोड़ा तो क्या होगा पता है ना?
पता है ना? पता है, पता है। अच्छा बता, किस खुशी में यहाँ बैठ के पी रहा है? लव फेलियर भाई। ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन पेपर फेल होता है क्या? कौन फेल होता है? जो लिखता है। करेक्ट है ना। लव कभी फेल होता है क्या? कौन? लवर्स फेल होते हैं। और तेरे फेल होने में मुझे डाउट ही नहीं है पप्पू। इसे क्या पता सच्चा प्यार क्या होता है? अबे पीता नहीं बोल के पूरा पावा ढकेल लिया तूने। यार चल छोड़, जान दे, कुछ नहीं होता। इतना ध्यान से सुना है? बता। ये लव है ना, ये सिक्स पैक जैसा होता है। आना मुश्किल है, आया तो मेंटेन करना और भी मुश्किल है। कैसे? लेकिन फ्रेंडशिप है ना पप्पो। नीचे देख, ए पेट को ऐसे आराम से आता है पप्पो। आने के बाद तुम कुछ भी करो, मरने तक तुम्हारे साथ रहता है, समझा? ये जब ऐसा है तो प्यार व्यार क्यों पप्पो? ऐसा बोलने वाले ही प्यार करते हैं और शादी भी। क्या करेगा? प्यार करेगा। कौन करेगा? तू करेगा। मैं करूंगा? हाँ। प्यार व्यार में नहीं पड़ना ऐसा सरकार बोलते हैं, इसलिए हनुमान ब्रह्मचारी सरकार, ब्रह्मचारी मी आल्सो ब्रह्मचारी। मैं शादी नहीं करूंगा तेरी कसम, प्यार नहीं करूंगा तेरी कसम, तेरी कसम तू जाए मुझे मुझे। बिल्ली की कसम खाई थी शराब नहीं पीता, बिल्ली को ही निपटा दिया। मेरी कसम खाई है कि प्यार नहीं करेगा, मेरा क्या होगा? मुझे जिंदा रहने के लिए इसे प्यार करने से रोकना होगा, शादी करने से रोकना होगा, कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। बकरी, चंद्र, सूर्य, जोड़ी, अब एक कार्ड निकालो। सीता राम विवाह, तुम्हारी शादी का योग बन गया है। राशि नक्षत्र के हिसाब से तुम्हें तुम्हारी सीता मिलेगी। हो ही नहीं सकता, ये ब्रह्मचारी है, शादी न करने की कसम खाई है इसने। भाई ये मैं मत करता, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूँ और साक्षात हनुमान जी का ही कहना है ये। क्या? कि तुम्हें तुम्हारी सीता मिलेगी और उसी के साथ तुम्हारी शादी भी होगी। ऐसा क्या? अरे भाई ये ढोंगी है, अपने माल के लिए आपको हलाल कर रहा है। ओए पंडित, तुझे और कोई बकरा नहीं मिला क्या? मेरे ज्योतिष शास्त्र को झूठा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देख लेना, हनुमान जी स्वयं आएंगे और तुम्हें तुम्हारी सीता से अवश्य मिलवाएंगे। जब तुम उसे देखोगे, उससे मिलोगे, उस समय तुम्हारे प्रेम के साक्षी अग्नि, जल, वायु तीनों बनेंगे, ये याद रखना। अरे वाह, प्रभु ने साक्षात लक्ष्मी माता को ही भेज दिया। हे लक्ष्मी माता, मैं आ रहा हूँ। पप्पू, पप्पू, हारमोनियम बजाने वाले को हनुमान बनाकर बिठा दिया, हद है। पप्पू, राम, राम। हाँ तुम ही? राम नहीं, कृष्णा, नमस्ते। हनुमान का सुर किससे लगा था, कृष्ण से या राम से? राम से। तो फिर सीता मैया उधर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, जाओ राम, तुम जाओ। ये रामायण में राम की जगह कृष्ण कहाँ से आ गया, कंफ्यूज ये दिया है। लक्ष्मी माता रुकिए ना, भक्त की इतनी भी परीक्षा मत लीजिए, रुकिए ना। माता, माता, मैं आपका भक्त हूँ, भक्त को कैश दो माता, 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 रुकिए। उससे मिलोगे, उस समय तुम्हारे प्रेम के साक्षी अग्नि, वो
तीनों बनेंगे, ये याद रखना। सीता को देखा यार, कितनी शालीन, कितनी सुशील। यही तो है हमारा संस्कार। उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे 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 मतलब बोलता हूँ यार, जैसे दीप स्तंभ हो। पूजा करने का मन करता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ज्योतिषी की बात सच होने वाली है? ज्योतिषी की बातों पर भी कोई भरोसा करता है क्या? अरे वो खुद हनुमान जी ने बोला है ना। वहाँ देखो, वो रहे हनुमान जी। अगर वो बोलेंगे तो मैं मान लूंगा। देख उधर, देख उधर, देखा? अबे वो लेडी नहीं, बॉडी है। उधर खड़ा है। आप बोलिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप मेरी छोटी सी हेल्प करेंगे? क्या चाहिए वो बोलिए। इसको मार दो, इसको मार दो। इधर स्वाइन शॉप से चार बियर लेकर आएंगे। क्या 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 बोला आपने? बियर और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाली चिल्ड भी, सिगरेट भी। सिगरेट चाहिए भाई, और क्या? बोलिए 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 बोलिए। गुटखा भारतीय संस्कार सर्व गुण संपन्न, वाह 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 वाह। ये ले आइए प्लीज। थैंक यू। ले रे ले रे ले रे। थैंक यू। अगरबत्ती की जगह का सारा गुस्सा पुतले पर निकाल रहा है। वो लड़की सामने आ जाए तो पहलवान जी कहाँ चले? भैया मैं तो पानी पीने जा रहा था। पानी पीने जा रहा है या अब तक की मेहनत पर पानी फेरने जा रहा है? भैया मैं उस लड़की से प्यार करके शादी। ये प्यार वर्षा बकवास डिब्बे में डाल के कोने मारा, क्या हुआ तुझे? क्या है ना भैया, उस लड़की का परिवार, उसकी सभ्यता, उसके संस्कार। संस्कार सभ्यता क्या, मुझसे ज्यादा जानता है तू? इसके चक्कर में पड़ा था, लोटा लेके घूमता रहेगा लोटा। गन्ना जानता है ना तू? गन्ना उसके रस की तरह चूस के फेंक देंगे तुझे, समझाना। और सुन, तू है पहलवान, मन में रखना है कुश्ती और बनना है तुझे चैंपियन। इसको छोड़ के आगे पीछे कुछ भी और कोई भी नहीं, समझा तू? समझ गया। तो देखा तुमने, सीखो। ये क्या है भैया? गीला लंगोट बांध ले, अंदर की गर्मी कम हो जाएगी। यहाँ काम करने आया कि दरबार लगाने आया है? अबे चिल्ड बियर, कमाल होता है ना। वो कहावत सुनी है ना, सांड को कभी लाल कपड़ा नहीं दिखाना चाहिए वरना वो भिदक जाता है। मैं दिखाऊंगा और वो भिदकेगा भी नहीं। अच्छा? ओ मैडम मैडम, सिगरेट गुटखा बियर कुछ चाहिए क्या? लड़का लाके दे देगा। कौन? अरे वही जो उस दिन लेके आया था। उनसे मिल सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, आइए आइए। कृष्णा
ए कृष्णा, तू चिल्ला रहा है भाई? वो बियर वाली लड़की आई है, फिर से माल मांग रही है। इस बार उसे छोड़ना मत, लगा देना। देख करो। यस मैडम, मैंने उसे समझा दिया है, आप जाइए। आजाओ आजाओ भाइयों, अब सबके सामने आ गया है लाल कपड़ा। अब हमारा कृष्णा तोड़ेगा, फोड़ेगा, चीखने चिल्लाने की आवाज आएगी, आवाज आएगी। सुनो सुनो सुनो, अभी तक आवाज क्यों नहीं आई? बैठिए ना। अरे बैठिए ना। थैंक यू। ये आप अच्छे ना? तो अच्छे रहेंगे। ये सान लाल कपड़ा देखकर भी नहीं भड़का, ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? तुझे पता नहीं है ना? नहीं तो? बियर, सिगरेट, गुटखा, ये सब अपने लिए नहीं, कोई फ्रेंड बैठा आई थी इसलिए ये आके लेके गई यार। बस इनको तो कोई आदत ही नहीं है। वो शरीर पे यार, भासु में यार। आप बैठे ना, आप बैठे ना। ए बाबा, ए बाबा, हनुमान जी ने दिशा भी सही दिखाई थी और ज्योतिषी भी करेक्ट ही बोला था। सो स्वीट ऑफ यू। मेरा नाम है रुक्कु। रुक्कु? रुक्मणी। रुक्मणी, कितना चला मैं पप्पू ने। तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा। नाइस। फ्रेंड्स? आने वाले विजयदशमी उत्सव में श्री विजय दुर्ग संस्थान की ओर से विशेष कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के सिर्फ 4 पहलवानों को चुना गया है। उसमें से एक विजेंद्रगढ़ के सरकार के यहाँ से श्री वीर हनुमान अखाड़े के पहलवान कृष्णा का चयन किया गया है। कृपा करके आप अपने बेटे को जरूर भेजिएगा। हमारा सौभाग्य। जी जरूर आएगा, खुशी होगी। भाई, ये कुश्ती कब है? कल रात को। फिर तो हमारे पास बहुत टाइम है। वो रुको है ना। मैडम। हाय। आप यहाँ कैसे? विजयदुर्ग जा रही थी। विजयदुर्ग? अरे हम भी वही जा रहे हैं, आइए आप। मुझे मरवा के गिरेगी। पप्पो, यहाँ कैसे? तू तो अंदर बैठा था ना। आप वो रेडिएटर में पानी डालने के लिए ऐसे बाहर आता रहता है। आप चलिए, मैं लेके जाता हूँ। इन्हें देख के लगता है ये कुछ परेशान है। शक्ल पे फिल्म देखने वाली आप पहली इंसान है। चलिए चलते हैं। पप्पो, इनकी गाड़ी को ठीक करना है, यही रुक। आप चलिए। हाँ तो विजयदुर्ग क्यों? वहाँ दशहरा उत्सव चल रहा है। गजेंद्रगढ़ से एक बड़ा पहलवान आने वाला है। सुना है उस पर बैट लगाओ तो डबल पैसा मिलता है। आपने कभी उस पर बैट लगाई है क्या? आप उस पहलवान को जानते हैं क्या? कौन है? होगा महापुरुष। हाँ? कोई महापुरुष आपने बोला है तो। तो फिर आप उस पहलवान को देखने जा रही है क्या? आपको जीप चलाना आता है? अच्छा चलाती हूँ ना। चलो आप उड़ाते हैं। मैडम, खलास जीप। सॉरी। अरे कोई बात नहीं, आप ठीक है ना? या आई एम ओके। मुझे प्यास लगी है। प्यास? आप रुकिए, मैं देखता हूँ। Bye.
रुक्मिणी जी, क्या हुआ आपको? ये जो पानी है ना, ये बहुत टेस्टी है। आप भी पियोगे? उसको पिया आपने? वेट, रुक्मिणी जी क्या कर रही हैं आप? सॉरी, मधुमक्खी जी को लग गया। मधुमक्खी जी चली गई क्या? पता नहीं। उनको सुनाई देता है? तो इतना धीरे क्यों बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ तो इसलिए डर लग रहा है। नहीं तो मैं क्यों डर? चैंपियन कृष्णा अपने ही स्टेट वाला है ना? हाँ सर। अपने इलाके का पक्का देसी पहलवान है ये। हम ऐसे किसी को ढूंढ रहे हैं। बचपन से ही प्रैक्टिस करता आ रहा है सर। उसे नेशनल खेलने के लिए एक मौका मिल जाए बस, गारंटी इंडिया के लिए मेडल जीतेगा। प्लीज सर। आप एक काम कीजिए, अगले महीने रणस्थलीपुर में एक टूर्नामेंट होने वाला है, नेशनल सिलेक्टर्स आ रहे हैं, उसको वहां पार्टिसिपेट करने के लिए कहिए। वहां उसका परफॉर्मेंस देखकर डिसाइड कर लेंगे। वो जरूर आएगा सर, और वो उसे जरूर जीतेगा सर। पहले उसे पार्टिसिपेट करने के लिए कहिए, क्योंकि वहां से हमेशा जीतते हैं राजा राणा प्रताप वर्मा ही। विजय दुर्ग की दशहरा कुश्ती प्रतियोगिता रोचक होती जा रही है। रणस्थलीपुर के राजा राणा प्रताप वर्मा और कोल्हापुर के विक्रम सिंहासन के बीच कुश्ती चल रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रतियोगिता बिल्कुल बराबर पर चलेगी। दोनों पहलवान आंखों में आंखें डालकर आमने सामने एक दूसरे को परखते हैं। कृष्णा कहाँ है? हे हमला पप्पू। पप्पू कौन बोला? कौन है? साक्षात सीता मैया। कम बड़ी सिट। यहाँ नहीं, वहाँ। एक्चुअली ये जगह उनके लिए है। उनके लिए मतलब? आपके फ्रेंड। ओह, एक ही दिन में इतना रिस्पेक्ट? थोड़ा 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 करके एक दिन ये मुझे निपटा ही देगी। भगवान मैं आ रहा हूँ। लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? आएगा, खुद ही देख लेना। और पहला हे कृष्णा। हाय रुक्मिणी जी, खुश लग रहे हो? इतना अचानक क्यों बुलाए? डायरी को सब पता चल गया। क्या? मैंने सब बता दिया है। क्या रुक्मिणी जी अचानक बुला, क्या ऐसे बोल रही है? डर लग रहा है? डर नहीं, फर्स्ट टाइम है ना। कुछ नहीं होगा, आराम से बात करना। ओके सर। किच्चा यही नाम है ना तुम्हारा? नहीं सर, कृष्णा, प्यार से किच्चा बुलाते। साउंड सो स्टूपिड। ये लो ब्लैंक चेक, जितना लिखना चाहो लिख लो। कितना लिखना है यही सोच रहे हो ना, या फिर लिखना ही नहीं आता तुम्हें? पढ़ा नहीं हूं सर, लिखना नहीं आता। अंगूठा छापो। हाँ सर। सूट्स यू, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। ओके फाइन, मैं ही लिख देता हूं।
अकाउंट में नाम क्या है? अकाउंट भी है या नहीं? अकाउंट नहीं है सर, लेकिन समझ नहीं पाए क्यों पूछ रहे हैं आप। मैं जानता हूं तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो, और ये भी जानता हूं तुम्हें चाहिए क्या। वैसे तुझ जैसे सड़क छाप रोमियो के लिए मैंने अपनी लड़की को पैदा नहीं किया है। सर कहां जा रहे हो? सर वो मुंह बंद रख के जाना चाहता हूं सर। सही है सर, क्योंकि आप कुछ बोलेंगे मैं कुछ बोलूंगा, इतना जो है इतना बन जाएगा, फिर कहीं से कहीं और जाएगा, ये सब क्यों सर? फिर भी आप सुनना चाहते हैं तो बोलूंगा सर। सर वो दूसरों की तरह मैं भी धोखे में आ गया सर, आपका ये बड़ा बंगला बाहर खड़ी गाड़ी देखकर बड़ा आदमी समझा सर। मामू मैं अपने बारे में नहीं बोलना चाहता, फिर भी बोलता हूं, सुनिए। मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन बाहर बुजुर्ग अधेर उनसे छोटे छोटे बच्चे तक और प्यार से मेरा नाम अपने पूरे शरीर पर गुदवाया सर, इतना काफी है मेरे। अकाउंट नहीं है मामू, लेकिन दोस्तों के रूप में कुछ चाहने वालों को बाहर कमाया है। अगर वो सब मिलके एक एक रुपए मुझे प्यार से देंगे तो एक अकाउंट खुलेगा और आपसे ज्यादा मेरे पास होगा मामू। अगर मुझसे पंगा लिया तो, अगर मुझसे पंगा लिया तो, अगर मुझसे पंगा लिया तो, ऐसा बोलने वाला मैं समझ नहीं हूं, फिर भी बोल रहा हूं, मत लेना मत लेना। और एक बात मामू, तुझे से यकीन कैसी एक देवी जैसी बेटी पैदा हुई? बोले कैसे मामू कैसे? नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। और एक बात मामू, आपकी बेटी का दुल्हा मैं हूं तो आपका दामाद भी मैं ही हूं। ससुर जी मिलते हैं। जो भी हुआ मैंने आपको बता दिया, अगर आप एक बेटी के बाप होते तो आप क्या करते? मैंने उसकी शादी भी फिक्स कर दी है, तो ऐसी हालत में कब है शादी? अगले महीने। आप शादी की तैयारी कीजिए, मैं अपनी जुबान देता हूं मेरी बेटी की तरफ से परेशानी नहीं होगी। मैं कल ही जाकर पाटिल साहब से राइस मिल की बात करता हूं। अच्छा सर, नमस्ते, बात कर सकता हूँ? दिस मूवी डाउनलोडेड फ्रॉम desiremovies.email। सकर, अब तक हम दोनों का एक ही सपना था, वो वैसा ही है या बदल गया है सर? क्यों सकर ऐसे बात कर रहे हैं, क्या हुआ? चैंपियन बनने का सपना है या नहीं है सरकार? क्यों ऐसा पूछ रहे हैं आप? सच में, या तुम्हारे लिए कोई और सपना जरूरी हो गया है? नहीं सरकार, नहीं सरकार। रणस्थलीपुर में नेशनल सिलेक्टर्स आ रहे हैं, दिल में जो है निकाल फेंको, ध्यान सिर्फ कुश्ती पर लगाओ। चैंपियन बनने का सपना है या नहीं, या तुम्हारे लिए कोई और सपना जरूरी हो गया है? ध्यान सिर्फ कुश्ती पर लगाओ। ये सब क्या है किचा?
कुछ नहीं सरकार, वो बाइक से मैं। इतने सालों से बाइक चला रहे हो, आज तक नहीं हुआ एक्सीडेंट, अब अचानक कैसे? ध्यान कहां था तुम्हारा किचन? बात यह है कि कुश्ती में जरा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो एक पल में जान चली जाती है। जीवन में मोह माया को किनारे करके, त्याग करके, पार करके जो आगे बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ वही पहलवान बन सकता है, सिर्फ वही। इतने सालों के त्याग तपस्या को बर्बाद मत करो बेटा। आपका बेटा कहाँ है? आ जाएगा सर, आ जाएगा। अब आगे की प्रतियोगिता के लिए पहलवानों का अनुरोध है कि वो तैयार हो जाए। सरकार, उस लड़की की शादी भी आज ही है। किसने लोगों के बीच निराशा है? अगर वो कुछ और समय में यहाँ नहीं पहुँचे तो श्री राजा राणा प्रताप वर्मा को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। आपकी डर से नहीं आया? देखो हम पहलवान हैं, जीतेंगे तो कुश्ती लड़कर, इंतजार करेंगे उसका। आएगा ना सर? जरूर आएगा, आएगा। पहलवान आ रहा है, पहलवान आ रहा है।
तुम्हारी गलती की वजह से कितना बड़ा हंगामा हो गया पता है तुम्हें? सरकार से कभी भी आज तक किसी ने ऐसी बातें नहीं की। बेटी, तुम्हारे पापा ने न जाने क्या क्या कहा। सरकार, ये दोनों भी नहीं जानते थे कि इतना सब कुछ हो जाएगा। सरकार, दोनों बच्चे हैं, ये नहीं जानते थे कि ये सब। सरकार क्या है तुम तो जानते हो, और आप भी नहीं जानता। मेरे सामने जो आदमी खड़ा है, मैं उस इंसान को नहीं पहचानता, बिल्कुल नहीं पहचानता। मैंने जिस बेटे को पाला था, ये नहीं है वो। हाँ, लेकिन देखिए बुजुर्ग है आप, इसलिए फायदा मत उठाइए। पूछा था भरोसा कर सकता हूं या नहीं, मेरे भरोसे का यही सिला दिया तुमने। आज मैं तुमसे दो वचन मांगता हूं, तुम्हारा पति उसे पूरा कर पाएगा बेटा? जी सरकार, आप जो कहेंगे ये करेंगे। मेरी सिखाई हुई विद्या का इस्तेमाल नहीं करेगा और कुश्ती भी नहीं लड़ेगा। ये जहां भी रहे खुश रहे, लेकिन मैं आज के बाद इसको देखना नहीं चाहता। सरकार, ये सब क्या कह रहे हैं आप? नहीं देखना चाहते क्या मतलब? कहां जाएगा ये? ये आपका बेटा है, कोई कुछ भी बोल देगा आप अपने बेटे को घर से निकाल देंगे? ये लड़की जहर पीने वाली थी, इसीलिए शादी करके इसे यहाँ ले आया। कृष्णा, तू चल अंदर चल। पहली बार मेरे भगवान मुझसे कुछ मांग रहे मूर्ति काका। जान भी मांगे तो दूंगा। उस दिन के बाद हमने उन्हें आज तक नहीं देखा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि कहां जाना है, अब वो कहां हैं, कैसे हैं, कुछ भी नहीं पता। पहचाना? खूनी, कमीने, छोड़ दे मुझे। साइन कर देना यार। मर जाऊंगा लेकिन कभी साइन नहीं करूंगा। गुड। हे भगवान, मेरी बेटी, उसकी क्या गलती है? उसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। वहां साइन करूंगा। क्या बोला? जहां बोलोगे वहां साइन करता हूं।
मेरा बेटा पहले से ही दिल का मरीज था, ये बात सबसे छिपाकर वो रिंग में उतरा। डॉक्टर ने सर्टिफाई किया है कि इसी की वजह से उसकी मौत हो गई। ये बात सच है, मैं गवाही देता हूँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन बस आपके कोच को कोर्ट में नहीं पहुंचना चाहिए, फिर ये बैन पक्का रद्द हो जाएगा। लेडी ओरियन, ये यहाँ देख लो ना बेटा, ये नहीं चाहिए पापा। ताजा। हाँ ठीक है, हाँ ले लो। भाई क्या हुआ? वो भी यही है, मैंने उसे देखा। कौन, किसे देखा? पहलवान को। पहलवान को कहाँ? वहाँ। बिस्किट दे रखा था, एक मिनट है। अरुको, अरे आप है कहाँ? तुम्हारे दिल में। चुप, जल्दी आइए ना। जल्दी क्यों? ए, शर्मा रही है। प्रिंसिपल वेटिंग। ताई, आज काय पेशल है तुमचं? आज हमारी शादी की सालगिरह है। ऐसा क्या? ये ले, ये मेरी तरफ से गिफ्ट। तुम लोग की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे, सलमी निकते। गजरा घ्या गजरा। Hey, hey, क्या कर रहे हो तुम? पटको पट। चाड़ू से। इन लड़कों में कृष्णा को ढूंढ रहे हो ना सरकार? आप हर पहलवान में उसी को ढूंढते रहते हो। इनमें से कोई भी कृष्णा नहीं है और ना ही कभी कोई कृष्णा बन सकता है। भुला चुका हूँ मैं उसे। भुला नहीं पाए हो सरकार, इसलिए उसका गदा, उसकी ट्रॉफी किसी और को दे दिया है। आपने उसे अपने घर से जरूर निकाल दिया है सरकार, लेकिन अपने दिल से नहीं निकाल पाए हो। कृष्णा, जानू सो रही है क्या? हाँ दादाजी। देखो
अरे वाह सजिता जी हो, क्या बात है? आपको याद है आज क्या है? आज से हमारे गांव में मेला शुरू होगा ना, आज पहली आरती है, कुछ ही दिनों में कुश्ती शुरू होगी, सरकार बहुत खुश होंगे आज। शादी के दिन भी कोई ऐसा ही होता है क्या? सरप्राइज। तो क्या करते? करने को बहुत कुछ है, फिलहाल ये लीजिए। साड़ी है? पहननी है? ठीक है। हेलो, मैं पहनूंगा ना, राजस्थानी साड़ी है, सब उल्टा, इधर का उधर, उधर का इधर, सब उल्टा है, मैं पहनाऊंगा ना। आप पहनोगे? और क्या, दुकान वाले के साथ चार घंटे बैठ के सिखाऊं मैं? मैं पहनाऊंगा ना। जानू? जानू? हाँ पापा। बेटा तुम चिड़िया देखना चाहती थी ना कॉर्नर में? हाँ पापा। बाइनोक्युलर से देखोगी? ओके पापा। जाओ बेटा। कैसे? लेफ्ट में देखो बेटा। हाँ मम्मा। देख लिया। देखने दो। मतलब? इसको ही समझ में आया तो हमें हमारा काम पूरा कर लेना चाहिए। भाई और बहनों बाहर आओ, एक अनाउंसमेंट है। आज हमारे शादी की सालगिरह है। राजस्थानी साड़ी भी दिलाए हूँ और खाने के लिए भी लेके जा रहा हूँ, ये बोलने आया था। नोट इट डाउन। और पता है पापा ने मम्मा को साड़ी दी है। वो देखो उसके लिए राजस्थान से साड़ी लाया है। एक तुम हो, मेरे लिए आज तक ब्लाउज पीस भी लाए हो क्या? बीवी तो ऐसी होनी चाहिए। राजा साहब, पहलवान अभी जिंदा है। क्या बोला, जरा फिर से तो बोल। राजा साहब, मैंने पहलवान को देखा, वो यहाँ अपने परिवार के साथ आराम से रह रहा है। बराबरी 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 बराब
कुछ लेंगे आप? आपके पति ने तो पहले ही बहुत कुछ दिया है, और ले लेता हूँ थोड़ा दूध बस। कैसा है किच्चा? अच्छा हूँ आप। ठीक नहीं हूँ, 4 साल से ठीक नहीं हूँ। उस दिन अखाड़े में तूने सिर्फ मुझे नहीं गिराया, गिरा दी वंश की मर्यादा, वंश की प्रतिष्ठा। अगर घर में शादी है, मैं दूल्हा हूं, अच्छा है। अगर घर में मातम है, मैं लाश हूं, वो भी अच्छा है। लेकिन यार तूने तो मेरी ही शादी में आके मुझे ही लाश बना दिया, ये अच्छी बात नहीं है। आज कोई किसी भी बात पे हंसता है, लगता है मुझ पे हंस रहा है। अब घर से बाहर नहीं निकलता हूं। मरना है तो मर ले, सामने हो। नो 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 नो, अभी तो मैं रिलैक्स्ड हूं। तू मिल गया ना, ये लीजिए दूध। थैंक यू। तूने ही कहा था ना किच्चा कि पहलवान की असली जीत अखाड़े में होती है, तो बस तुझे एक बार फिर मेरे अखाड़े में आना है पहलवान की तरह, और मैं वहां तुझे हराऊंगा। वो पहलवान नहीं आएगा। आएगा, आएगा ना, मैं बाहर लेकर आऊंगा। और एक बात कहूं तुझसे, तेरी पर्सनालिटी पे ये मटके शटके सूट नहीं करते। पहलवान सुपर। अरे आपकी बिटिया नहीं दिखाई दी? सुना है बहुत प्यारी है, कहाँ है? पहलवान को तो वापस आना ही होगा, मैं लेके आऊंगा उसे। कहाँ है? बाहर निकल। अच्छा, ए टोनी, है कोच। एक्स कोच, कल के पेपर के हेडलाइंस आज ही पढ़ लो। चैंपियन टोनी से बैन हटा। Tony is back. Tony is back. इससे कुछ समझ में आया बुड्ढे? दुनिया सिर्फ जीतने वालों का साथ देती है, लेकिन अब तुम क्या करोगे? अरे हाँ, तुम्हारी तो बेकरी है ना, इतनी बड़ी बेकरी, मीठा बिस्किट, नमकीन बिस्किट। औकात से ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, इतनी ऊंचाई से गिरेगा चोट उतनी ही लगेगी। हाँ हाँ, यही तो समझा रहा हूँ तुमको। टोनी को हराओगे, तुम अगले साल तक जिंदा रह पाओगे? हाँ, हो सके तो इसी साल एक बटर बिस्किट तैयार करके मुझे खिला देना। तब समझ में आएगा किसके कितने औकात हैं। कृष्णा चाय? नहीं। करीम भाई। हाँ। बुरा मत मानिएगा, इतनी रात को फोन कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बोलो कृष्णा। करीम भाई, थोड़ा पैसा चाहिए था जैन के एडमिशन के लिए। अरे क्या बेटा, अपने जानों की फीस के लिए इतना क्या सोचना, सुबह ले लेना। थैंक यू करीम भाई, जल्दी लौटा दूंगा। करीम भाई। हाँ। अरे करीम भाई क्या हुआ? अरे अभी कहाँ कुछ हुआ है, कैसा है?
किच्चा आ रहा है ना बाहर पहलवान। ए बहुत गुस्सा आ रहा है ना? नहीं कोई बात नहीं, 4 साल इंतजार किया है, थोड़े दिन और कर लूंगा। पर उतरेगा तू अखाड़े में, वादा है, उतारूंगा तुझे अखाड़े में। मारने का मन कर रहा ना मुझे? मार। मारने नहीं राणा, बोलने आया हूं। राणा मेरी खामोशी का मतलब ये नहीं कि मैं डर गया, मतलब है इज्जत। कुश्ती को कुश्ती में सामने वालों को इज्जत देंगे तो कुश्ती वापस हमको इज्जत देगी। अगर उस दिन मैं तुमसे हार गया होता तो भी एक बड़े पहलवान से हारा हूं सोचकर खुश रहता। खेल बड़ा है राणा, हम नहीं। मुझे कुश्ती सिखाने वाले अपने सरकार को वचन दिया हो कि मैं कुश्ती कभी नहीं लड़ूंगा और दिए हुए वचन पड़ी को मैं। पहलवान की बाहर आने की आपकी सोच कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं। हाँ हेलो आरती जी। पापा तुमने जो गैरेज बताया था ना बेटा? हाँ पापा। क्या नाम है उसका? पाशा गैरेज। आशा गैरेज है ना? हाँ। सॉरी करीम भाई, मेरी वजह से। फिक्र कोई बात नहीं कृष्णा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कृष्णा पैसे मांगे थे ना तुमने? नमस्कार। नमस्कार। कहिए। मेरी गाड़ी में थोड़ा डेंट पड़ गया, जरा देख लेंगे क्या? जरूर तशरीफ रखिए, देख लेता हूँ। सुलेमान साहब की गाड़ी देख। कोशिश करो। हाँ ताल मिली है शंकर भाई, चलता हूँ। हाँ ठीक है। कृष्णा हाँ। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगा? पूछिए। जानू को इतने बड़े स्कूल में डालने की जरूरत है क्या? क्यों, तुम इतनी मेहनत करके कमाते हो, उसमें तो खोली का भाड़ा भी नहीं निकलता, ऊपर से इतना महंगा स्कूल। शंकर भाई एक माँ अपने बच्चे को गोद में क्यों बिठाती है बोली? ताकि बच्चा भी वो सब देखे जो माँ देख रही है। लेकिन एक बाप अपने बच्चे को कंधे पे क्यों लेके जाता है पता है? ताकि बच्चा वो सब देखे जो वो नहीं देख पाता। और भैया एक बाप के लिए बोझ नहीं खुशी है, और मैं तो स्ट्रांग फादर हूँ भैया, स्ट्रांग फादर। कृष्णा तुम जैसे अच्छे दिल वालों का कभी बुरा नहीं हो सकता, माफ करना, पूछना नहीं चाहिए था। दूसरों को दे देकर ये हालत हो गई है मेरी, इस उम्र में जाकर पता चला कि ली कैसे जाती है। 40,000 दोगे तो काम करूंगा, वरना इससे कम में नहीं। ये बॉक्सिंग का एड है भाई, पैसे कम होते हैं। काम भी बहुत ज्यादा है भाई, और हम लोग कम है, इतने पैसे में नहीं हो पाएगा। ए चलो रे, चलो चलो। तुझे क्या चाहिए? वो काम मैं करता हूँ सेठ जी। कितने लोग हैं तेरे साथ? साथ में कोई नहीं, मगर काम मैं करता हूँ सेठ जी, उनको जो देने वाले तो वही दीजिए बस। अकेले कैसे करोगे, काम बहुत ज्यादा है यार। करूँगा सेठ जी, भरोसा कीजिए। मटेरियल उधर पड़ा है। हाँ सेठ, शुरू हो जाओ। हाँ थैंक्स सेठ जी। ए पांडे। हाँ भाई।
जा जाके देख कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मैंने पैसे से बड़ा कभी किसी चीज को नहीं माना। इमोशन और रिलेशन को मैंने कभी कभी अहमियत नहीं दी। मुझे लगा था कि सिर्फ दौलत के लिए कृष्णा मेरी बेटी से शादी कर रहा है, लेकिन कृष्णा ने मुझे गलत साबित कर ही दिया। ये मत सोचे कि फिर से तकलीफ देने आए हो सर, मन में जो बातें बोलने आए हो। एक दिन मेरी बेटी दिखाई नहीं दी सर, सिर्फ एक घंटा। ढूंढा सर, कहीं नहीं मिले। एक 3 साल की बच्ची सर, सिर्फ एक घंटा जब वो नहीं मिली तो मेरी जान निकल गई सर। तो जिस बच्ची को अपने 22 साल तक पाला पोसा, अचानक मैं उसे लेकर गया तो आप पर क्या गुजरी होगी, आप समझ सकता हूं सर। मैं माफ कीजिए। तब मुझे समझ में आया सरकार, अहमियत इंसान की होती है, पैसों की नहीं। उस दिन जब मैंने आपसे झगड़ा किया था तो इसलिए नहीं कि वो मेरी बेटी से शादी कर रहा है, बल्कि इसलिए कि मेरा बिजनेस पर बात हो रहा था। मैं अच्छा बाप नहीं हूं सरकार, वो है अच्छा बाप, और उसकी परवरिश करने वाले आप हो एक अच्छे बाप। जानबूझकर की गई मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। हाँ बस वो आता ही हो। ओके, टेक केयर। सर नमस्ते। नमस्ते पप्पू। किच्चा का कुछ पता चला? हाँ, अखाड़े में उसकी फोटो देखी थी, यही है ना? यही है, यही है सर हमारा किच्चा। सर क्या हुआ? हर साल होने वाले बहुत बड़े बॉक्सिंग टूर्नामेंट का एडवर्टीजमेंट है। हमेशा ट्रॉफी तो हम ही जीतते थे, लेकिन शायद इस साल। कटिंग चाय देना सर। वो फोटो साहब, ये तो बादशाह मैकेनिक की दुकान की फोटो है। इस मैकेनिक को तुम जानते हो? हाँ जानता हूँ। इसे जानते हो? कृष्णा है अपना। हाँ? ये लो, अपने घर के पास ही तो रहता है कृष्णा। हाँ एक मिनट। हेलो, this movie downloaded from desiremovies.email. स्थलीपुर में फिर से स्वागत है किच्छा। मुझे पता था तू आएगा।
इसीलिए सारे पंचों को बुला लिया है। ए, सर उठाओ बे मुर्दो। उस दिन इसके जीतने पर बहुत तालियां बजा बजा के उछल रहे थे ना, मेरे कटआउट तक को रौंद डाला था। आज मेरी जीत होगी, घर घर गांव गांव में मेरी जीत का जश्न। जानू, जानू, ए, कहां जा रहा है? बात कर रहा हूं ना मैं। वॉचमैन है मेरा। अच्छा चल एक बात बता, तू यहां बाप बन के आया है या पहलवान बन के? एक बाप अपनी बेटी को ले जाने आया है। तेरे सरकार ने तुझे पहलवान 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 चाहिए मुझे। इससे मेरी कुश्ती बाकी है। ए, क्यों बेकार नाटक कर रहा है? बाप को दिया वचन निभाने का, बिन माँ बाप का अनाथ है तू। कहाँ मर गया तेरे अंदर का पहलवान? कहाँ है पहलवान? मर गया है ना पहलवान? मार दो। लगाने की सोचना भी मत, काट के रख दूंगा। एक ही हिसाब करना था तुमसे,
लेकिन अब दूसरा शुरू हो गया। सोए हुए शेर को नहीं जगाना चाहिए था। जुल्म ना करने के लिए कहा था, जुल्म को बर्दाश्त करने के लिए नहीं। ऐसे ही लोग होने चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में। वॉचमैन है सर। मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? सरकार, आप इतने दिनों से हमसे मिलने क्यों नहीं आए? गलती हो गई बेटा, गलती हो गई। लेकिन पापा तो ये कहते हैं कि सरकार से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। पापा ने ऐसे बोला? हाँ। मैं पहले भगवान को नहीं मानता था, लेकिन अब मानने लगा हूं। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन इस गधा के कारण मुझे अवसर मिला कि मैं आपके इस विराट रूप को देख सका। कृष्ण और कंस दोनों पहलवान थे। कृष्ण धर्म के लिए लड़े और कंस अधर्म के लिए।
जिस इंसान को मैंने ट्रेन किया, जिसके लिए अपना खून पसीना बहाया, वही इंसान एक दिन कंस बनकर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा, ये सोचा नहीं था मैंने। बॉक्सिंग के इतिहास में कलंक है वो। इस पूरे वाक्य को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं स्वार्थी हूं, तो हां मैं स्वार्थी हूं, लेकिन इस कलंक को मिटाने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए आपको बॉक्सिंग रिंग में आना ही होगा। पैसा मिलेगा? हाँ, बॉक्सिंग के तो पैसे मिलेगा। हाँ मिलेगा। पैसे कितने मिलेंगे? पता नहीं कितने मिलेंगे सरकार, लेकिन उन बच्चों के लिए पैसों की जरूरत है। बच्चे? बच्चे। उस दिन घर छोड़ के जा रहा था तब पता था कि थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बहुत तकलीफ हुई सरकार। तकलीफ यानी कूली बनने में या गरीबी में नहीं सरकार, आपके बिना, कुश्ती के बिना बहुत तड़पा मैं। पापा, हाय। नींद नहीं आती थी सरकार, पूरी रात दौड़ता रहता मैं, शायद थक जाने से नींद आ जाए। समझता था कि मेरी तकलीफ ही बड़ी है, लेकिन जिंदगी ने उससे भी बड़ी तकलीफ से मिलवाया, उन बच्चों की। मैं खाना खा के आता हूँ। खाने की बहुत पड़ी है तुमको, पहले काम खत्म करो, उसके बाद ही खाने के बारे में सोचना। हाँ ठीक है। हाँ उठाओ जल्दी से, समझे क्या? सुशीला। अरे भैया। घर में बहुत परेशानी थी ना, बाबा के मरने के बाद हमें यहाँ आना ही पड़ा। शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, उसके बाद तो आदत सी पड़ गई। दौड़ना तो जैसे मैं भूल ही गई भैया। मुन्ना किधर है? वो नहीं है भैया। नहीं है मतलब? वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, कहता था काम नहीं करूँगा, क्रिकेट खेलूंगा, क्रिकेटर बनूंगा। एक दिन अम्मा उसे जबरदस्ती काम करने के लिए लेके आई, कहने लगा मुझे क्रिकेट खेलना है, कह के जोर से भागा। समाधि के बदले सड़क बनाया, बहुत दुख सहा है भैया, लेकिन अब तो आदत सी हो गई है। आप यहाँ कैसे? सुशीला। सर अभी आ रही हूँ। भैया सुपरवाइजर बुला रहा है। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा भैया, हम लोग यहीं रहते हैं, आना कभी, चलती हूँ। हाँ सपने तो बड़े बड़े देता है भगवान, और साथ में भूख भी, फिर वही भूख सारे सपनों को जलाकर राख कर देती है। बात मानोगी? बोलो भैया। किसी भी कमी के बिना तेरी अच्छी देखभाल करूंगा मैं, बस पहले की तरह दौड़ना है तुझे, मेरे साथ चलो, मैं ख्याल रखूंगा। जाने दो भैया। क्यों, भरोसा नहीं है मुझ पे? आप पर तो पूरा भरोसा है भैया। तो फिर ये सब लोग भी हमारी तरह खेल में बहुत अच्छे हैं भैया। ये दिव्या डिस्ट्रिक्ट लेवल की खो खो प्लेयर थी, और वो श्रुति कबड्डी प्लेयर, ये है महेश डिस्ट्रिक्ट लेवल का वॉलीबॉल प्लेयर, लेकिन दुर्भाग्य से हम प्लेयर से लेबर बन गए।
इनके बिना कैसे आऊं? आप पर भरोसा है, भाग्य पर नहीं। तुम्हारा मन साफ है जो इसके सपनों को पूरा करना चाहते हो। इस बस्ती में इतने बच्चे हैं तो पूरे देश में कितने होंगे? उन सबके सपनों को कैसे पूरा करोगे? भूखे को रोटी नहीं, रोटी वाले को भूख नहीं। ऐसे हजारों बच्चे हैं सरकार, एक से एक होनहार, छोटे छोटे से, जो दो वक्त की रोटी के लिए अपने सारे हुनर को, सारे सपनों को वक्त की भट्टी में झोंक देते हैं। बहुत दुख होता है देखकर। जब तक इंसानियत है कोई अनाथ नहीं हो सकता। इंसान होना सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी जीना है, ये सबक तो बचपन से मैंने आपसे सीखा था सरकार। मेरे बॉक्सिंग की कमाई से अगर कुछ बच्चों का भविष्य बदल सकता है तो मैं जरूर करूंगा, अगर आप मान जाए। मैंने तुमको सिर्फ कुश्ती लड़ना सिखाया, लेकिन कुश्ती क्यों लड़ते हैं ये तुमने सीख लिया। तुम तब भी दूसरों के लिए लड़ते थे और आज भी वही करने जा रहे हो। तुम्हें अपना बेटा कहने में मुझे गर्व हो रहा है। ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो वो है योद्धा। Foul play, no rabbit punches. Okay? Have forgotten that this is a boxing ring. Hilarious.
Hey, that's the second warning. You're not supposed to do that. All right, fight. Hey, get back. That's the third warning. Next time you'll be disqualified. Bell, go back to your party. And that's the bell. Your dog is having a real good time. Me too. But मैंने तो कुछ नहीं किया. चुप. समझ गए? जो पैंतरा वो दिखाता है उसका बिल्कुल उल्टा करता है वो. उससे उसी के पैंतरे से निपटो. समझ गए ना? तुम कर सकते हो. और अब चलते हैं दूसरे राउंड में. बेकरी संभाल के, कहीं ये तेरा बटर बिस्किट मुझसे टक्कर लेने से पहले ही पिघल ना जाए. Congratulations, Tony. How are you feeling? Feels like I'm on a holiday. Tony, आप अपने opponent के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Pehlwan Kicha. Oh, I'm scared. Pehlwan Kicha,
आप अपने ओपोनेंट टोनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टोनी एक बहुत बड़े बॉक्सर है, पर मेरा सौभाग्य है कि इनके साथ बॉक्सिंग करने का मौका मिला है। कृष्णा जी, आप कुश्ती छोड़कर बॉक्सिंग में क्यों आए हैं? पैसों के लिए मैडम जी। समझी नहीं। ये पैसे अपने लिए नहीं मैडम, बिना कोई प्रोत्साहन के प्रतिभाशाली बच्चे सड़कों पर काम करके जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी बढ़ावा देने वाले उनको मिल जाए तो यही राज्य के, देश के बहुत बड़े खिलाड़ी बनकर वो सेवा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। टोनी जी, इस फिनाले के बारे में आपका क्या कहना है? इट्स गोइंग टू बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड शॉर्ट। पहलवान किच्चा सर, आप जीतोगे? मुझे पता नहीं मैं जीतूंगा या नहीं, लेकिन एक बात बोलता हूं सर, जिंदगी में कभी भी आसानी से हार नहीं मानी है मैंने। प्रतिभाशाली गरीब बच्चों के लिए एक नई उम्मीद की किरण पहलवान किच्चा, जो कुश्ती से दूर हो गया था, वो अपनी बॉक्सिंग से ही नहीं बल्कि अपनी सोच और मकसद से लोगों के दिलों के करीब आ रहे हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, उनको खेल के लिए प्रोत्साहित करना होगा। स्कूल में मैं स्टेट लेवल वॉलीबॉल प्लेयर था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए किसी ने भी सहारा नहीं दिया। पहलवान किच्चा हमारे राज्य का ही नहीं, देश का आदर्श है। देश को गर्व है उनपे। हमारी कंपनी के लोग एक दिन की सैलरी को बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए डोनेट कर रहे हैं। उसका मकसद पूरा हुआ तो हमारे बच्चे भी खेलेंगे। वो जीता समझूंगे मेरा बच्चा जीता। पहलवान क्या भला हो। पहलवान किच्चा ने लोगों का दिल तो जीत ही लिया है, पर बॉक्सिंग रिंग में टोनी से जीत पाएंगे? लेट्स वेट एंड वॉच। कृष्णा, अपनी मंजिल से सिर्फ तुम एक कदम दूर हो। अगर यही एक कदम नहीं चल पाए तो तुम अपनी मंजिल को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। सर चलिए। नहीं, तुम जाओ। सर आज फाइनल है, अगर आप ही नहीं आएंगे तो। जिस दिन टोनी के सामने मैंने कृष्णा को खड़ा किया उसी दिन मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई पप्पू। आज रिंग में जो युद्ध होगा फाइनल, वो मेरा नहीं उसका होगा। आज का दिन उसका है। आज उसे वहां मेरी जरूरत नहीं है। आज जिस मकसद से वो बॉक्सिंग रिंग में आया है वही मकसद जी उसकी ताकत बनकर उसे मंजिल तक ले जाएगा। Thank you.
This movie downloaded from desiremovies.email. I think it's Horseman. Prince damage is guaranteed. Back to your con. Jump! Jump!
1, 2, 3. तुम मेरे बेटे जैसा नहीं, मेरे बेटे हो। तुम्हें अपना बेटा कहने में मुझे गर्व हो रहा है। ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा हो। आप पर भरोसा है, भाग्य पर नहीं। वो है योद्धा। Can you see? Yeah. All right. How much is this? Much. Punch. That's good. Okay. I'll close your eyes. Tell me now. How much? How much? Sure. Good. Now, tell me, how much? Two. Good. Good to go. That's a thumbs up! Yeah.